हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मुबीना सिद्दीकी फैमिली एंड फूड ब्लॉग। तो आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी। इसमें जाएगा ये हरी दाल और चावल, कोलम चावल, और इसमें जाएगा टमाटर, हरा बटाना, बकाने में जाएगा लाल मिर्ची और जीरा। और यहाँ पे तेल गर्म होने रख दिए हमने। अब इसमें आएगा जीरा, लाल मिर्ची, इसको अच्छे से चलाएंगे हम। फिर इसमें आएगा टमाटर, थोड़ा पक जाएगा फिर टमाटर आएगा। टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे अच्छे से। फिर इसमें जाएगा हरे बटाने और इसको अच्छे से चलाएंगे हम। अब इस पे जाएगा थोड़ी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और थोड़ा गरम मसाला, बस तीन ही मसाले जाएंगे इसमें। इसे हम अच्छे से भूनेंगे और हल्का पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं हमारे। अब मसाला अच्छे से भून गया है तो इसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे, दो गिलास पानी डालेंगे, एक गिलास चावल तो दो गिलास पानी। अब चावल को हमने धो लिया अच्छे से और इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अनुसार डालेंगे और इसे पकने छोड़ देंगे, चला के अच्छे से छोड़ देंगे पकने 15 मिनट के लिए। देख सकते हैं आप, धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो गया। तब इसे ढक्कन ढक देंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद इसको हम देखेंगे, चलाएंगे। यहाँ पे चाय भी मैंने रख दी हूँ, चाय पक चुकी है, दूध डाल रही हूँ और यहाँ चाय हमारी रेडी हो चुकी है। आइए आप भी चाय पीने। पंद्रह मिनट हो चुका था तो देखिए इसे हम खोलेंगे, देखेंगे। 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे दम पे छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे सर्व करेंगे। देख सकते हैं बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में, बहुत टेस्टी है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखें और इसमें थोड़ा सा घी डालिए के खाइएगा, और ही टेस्टी लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़। अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।